Assalamualaikum everyone, welcome back to Bros's Reactions. आज हम देखने वाले हैं एक मिनी डॉक्यूमेंट्री जुनैद अकरम की, और इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है ये एक प्लेन क्रैश के ऊपर है, जो PI का प्लेन क्रैश हुआ था, ये बेसिकली उसके ऊपर दिखाई गई है। वैसे तो डॉक्यूमेंट्रीज हम काफी सारी देख चुके हैं और उस पर आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पांस आता है क्योंकि हमें भी देखने में अच्छा लगता है और आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि हम किसी रियल वीडियोस पे जो वहां पे हो चुका है उस पे रिएक्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। लेट्स बिगिन। प्लेन रेस्ट हो गया है तो मैंने देखा कि हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, स्मोक था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब मुझे उन्होंने बताया कि वलाद शहीद हो चुका है, मेरी आंख में एक आंसू नहीं आया। वो मेरे फादर की बॉडी ऑलरेडी वो किसी और को हैंड ओवर कर दी गई थी। आवाज में दर्द है, मुझे तो गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी कोई गलती नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती नहीं है। बाईस मई 2020 अच्छा, जुम्मतुल विदा का दिन है। कोविड 19 की वजह से तवील अरसे तक फ्लाइट ऑपरेशंस बंद रहने के बाद ये ईद उल फितर से पहले लाहौर से कराची जाने वाली PK 8303 है। सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली चल रही थी, तो अचानक से जब लैंडिंग का टाइम आया तो उसने पायलट ने जो है वो लैंडिंग का अनाउंस किया कि वी आर रेडी फॉर लैंडिंग। लैंडिंग के दरमियान ही वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया है उन्होंने और बेली लैंडिंग की है तो लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि वो जहाज के वॉकवे में आ गए थे। अच्छा। अपनी सीट से उठ के वॉकवे में आ गए थे और जब दोबारा टेक ऑफ हुआ तो उस वक्त तक वो वॉकवेस में खड़े हुए थे। टेक ऑफ करने के बाद कोई 10 मिनट 12 मिनट जो है वो प्लेन हवा में रहा है। हवा में रहने के बाद जब दोबारा उसने अनाउंस किया है पायलट ने कि वी आर रेडी फॉर लैंडिंग, प्लेन जो है वो इतनी स्पीड से हिट हुआ है दूसरी दफ़ा कि लोगों को जो है संभलने का टाइम ही नहीं मिला। और PIA की ये परवाज़ 91 मुसाफिर समेत अपनी मंजिल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आबादी में जा गिरती है। घर पे गिरा आवाज थी और हर चीज आनंद फानन के अंदर तबाह हो गई, मतलब तो जैसे ऐसे तो फील हो जैसे जंग छिड़ गई है, सारी बिल्डिंगें लर्ज गई थी और बहुत ज़्यादा धमाका हुआ था, उसके बाद फिर धुआं और आग ही आग थी, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि कोई जहाज़ गिर गया है तो जिसकी वजह से ये आग है। इतने में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो बलाच ने खुद ही बनाया था फैमिली का, उसमें मेरे भाई की पोस्ट लगी हुई थी, प्लेन क्रैश 8 मॉडल कॉलोनी कराची, सिर्फ इतना लिखा हुआ था। हम घर में भी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे जब मेरी बहन की कॉल आई और उसने कहा कि इस तरह PIA का एक प्लेन क्रैश हुआ है और तुम जल्दी से चेक करो कि कहीं वो मेरे अभी की फ़्लाइट तो नहीं है। फ़ोन आया कि आप TV ऑन करो, ज़ारा किधर है। मैंने उसका छोटा भाई इसको एयरपोर्ट लेने गया हुआ था, तो जब वो वहाँ पहुँचा है वो उसके इंतज़ार में था कि शायद अब ज़ारा बाहर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंतज़ार करता रहा। एयरपोर्ट हम पहुँचे तो उन्होंने वो रोड उस वक्त तक ब्लॉक करती हुई थी जब तक हमें तकरीबन 30 मिनट्स लगे घर से पहुँचने में, और उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस जाएँ और हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मेरा बेटा कोशिश करके उस साइड पर निकल गया था मलीर और मॉडल कॉलोनी की तरफ। पतली पतली सी लेन्स थी, गलियाँ थी और वो घर था, आधा जहाज़ घर पर था, गिरा हुआ था, कुछ पतला सा रोड था टाइप था, वहाँ गिरा था, वह ईजी अप्रोच करके ना कोई फायर ब्रिगेड जल्दी पहुँच सकती थी ना कोई।
और कुछ और लोग वहाँ पहुँच चुके हुए थे और हम वहाँ काफ़ी देर जिसके घर पे गिरा होगा और हम कोई घंटे डेढ़ घंटे के बाद कोई एम्बुलेंसेस आनी शुरू हुई और वही था कि कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी उस वक्त और हम बेताबी से हर एम्बुलेंस के पीछे भागते और चेक करते कि वो किस हॉस्पिटल में गई है, वहाँ जाके चेक करते कि कहीं उसमें मेरे फादर की बॉडी तो नहीं है। कभी एडी, कभी जिना, कभी सिविल, कहीं से हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिल सकी। हम इसी होप पे थे कि ठीक है जहाज़ तो गिरा है लेकिन मे बी कि वो ज़ख्मी होगा। इसी होप से हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पूरा दिन हम लोग बैठे रहे और उसमें दरमियान में ये भी खबर मिली कि कुछ सर्वाइवर्स हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा। जब मैं नीचे ग्राउंड पे आए, जब प्लेन रेस्ट हो गया तो मैंने देखा कि हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, स्मोक था, पूरा ब्लैकआउट हो गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीट अपनी जगह पे थी लेकिन बाकी लोगों की चीखों की आवाज़ें, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, औरतों की, सबकी जो है ना आवाज़ें आ रही थी। मैंने राइट साइड पे जब विंडो वाली साइड पे देखा तो मैं विंग के साथ ही बिल्कुल बैठा हुआ था तो वहाँ से मुझे एक रोशनी नज़र आई है। सीट बेल्ट खोलने के बाद मैंने सीट पे पाँव रखा और मैं उस जगह से जहाँ से मुझे रोशनी नज़र आ रही थी वहाँ से मैं बाहर की तरफ मैंने विंग के ऊपर गया और वहाँ से मैंने नीचे जंप किया। फिर वो जंप अप्रॉक्सीमेटली मेरा था 10 से 12 फीट हाइट थी जहाँ से मैंने जंप किया। अच्छा, जंप करने के बाद जब मैं बाहर गया तो मैंने लोगों को बताया कि मैं प्लेन में ही था तो पहले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे कि आप इस प्लेन में थे। वहाँ के लोगों ने अपनी मदद के तहत लोगों को उसमें से निकालना शुरू किया और बॉडीज़ को मूव करना शुरू किया। फिर उन्होंने जो है वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, एम्बुलेंस आई है और मुझे जिना हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और आधे घंटे बाद जो है मुझे फिर उसके बाद सिविल हॉस्पिटल लेके गया है। लेकिन उनके पास कोई लाहे अमल नहीं था कि पता हो कि ये इस किस्म का इंसिडेंट हुआ है तो ये बॉडीज़ को कहाँ लेके जाना है। कुछ दारुल सेहत की तरफ भाग रहे थे, कुछ सिविल हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे, कुछ जिना हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे, कुछ कह रहे थे कि CMH में जो कि करीब है। अच्छा। वहाँ पर लेके जाया जाए। मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक में आ गई थी कि एकदम से कैसे हो गया, नहीं यानी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जब तक मैंने उसको देखा नहीं था, मैं सब मुझे कहते थे कि नहीं शी इज़ नो मोर, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उसको देखा ही नहीं है, तुम लोग कैसे कह सकते हो। यानी कि मेरी ये कंडीशन उस ज़हनी हालत में बड़ी ख़राब हो गई थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नहीं तुम लोग सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम बहुत से लोग हमारी तरह 97 पैसेंजर्स की फैमिलीज, तो हम पागलों की तरह एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे थे और कोशिश भी कर रहे थे कि हमें कोई उसमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। बल्कि मैंने इतना तक कहा कि मैं समझ सकती हूँ जहाज़ गिरा है, आग भी लगी है, लेकिन जिस भी कंडीशन में मेरा बेटा मुझे दिखाएं, मुझे मिलवाएं, क्योंकि 5 माह से हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा था वीडियो कॉल पे भी। तो मुझे सब रिश्तेदारों ने कहा कि ठीक है आप घर जाएं, हम लेके आते हैं बलाश को। और इसका आलम अगले 3 दिन तक रहा, यानी हम कॉल करते थे PIA के हेल्प डेस्क से, हमें कॉल आती थी, हर दफ़ा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो आपके कौन थे, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे। ईदी गए वहाँ पे, हमने बॉडीज़ को अच्छी तरह चेक किया 6 times, माय सन डिड इट 6 times कि जितनी बॉडीज़ थी उनको चेक किया और उसके बाद हमने अपने फादर की बॉडी आइडेंटिफाई की। और जब उन्होंने हमें कहा छीपा पे कि आप ऐसा करें कि आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं और वहाँ जाके वो ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम आई हुई है, आप उनसे कांटेक्ट करें और वहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क करना होगा, उसके बाद आके आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन के बाद हमें पता लगा कि उसकी यानी कि एडी में है, वहाँ से फिर हम लोग गए, वहाँ जाके हमने उसे शिनाख्त किया और फिर उसको हमने दफनाया ईद वाले दिन, ईद के पहले दिन मगरिब के करीब करीब जो है बलाश की बॉडी मेरे भाइयों को मिली। और मैंने जब मुझे उन्होंने बताया कि बलाश शहीद हो चुका है, मेरी आंख में एक आंसू नहीं आया क्योंकि एक हफ्ता पहले ही बलाश ने जो शोधा के वर्षा को जर्नल्स तमगे देते हैं, सल्यूट करते हैं, वो मूवी जो है वो वीडियो भेजी थी अपने उसी व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे नीचे लिखा था कि मामा यू आर ब्रेव मदर इन दिस होल यूनिवर्स, मैं कभी शहीद हो जाऊंगा तो मेरे सामान इसी तरह आपने लेने हैं और माय ड्रीम्स माय आर्मी चीफ सल्यूट यू इंशाल्लाह। तो मैंने उसको यही कहा कि बलाश और आप बहादुर माँ हैं। मैंने कहा ठीक है मैं बहादुर माँ हूँ लेकिन इतनी बहादुर नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ इस तरह की बातें करते हो।
अल्लाह का शुक्र है उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था और वो देखते ही पहचाना जाता था कि ज़ारा है, क्योंकि वो उसके जो कपड़े वगैरह थे वो मुझे पता था कि कौन से पहन के गई है, तो मैंने उसे शिनाख्त से कर लिया। थोड़ी सी वो बन हुई भी थी लेकिन ये मैंने उसको पहचान लिया। कई लोगों की तो बहुत बुरी हालत में बिल्कुल भी शिनाख्त ही नहीं हो सकी। और वहाँ पे डॉक्टर हुमायूं आए हुए थे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, और उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम इस तरह आपको बॉडी नहीं दे सकते, हमें आपके DNA टेस्टिंग के रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बॉडीज गलत चली गई हैं और वो वापस आई हैं और लोग इस पे बहुत शोर कर रहे हैं। लेकिन मेरा DNA की टेस्टिंग का रिज़ल्ट आज तक नहीं आया, जो कि बाद में उन्होंने मुझसे लिखवाया गया कि मैं उस पे कोई चीज़ क्लेम नहीं करूँगी। मेरी बहन ने 7 days के बाद लाहौर जाके अपने DNA टेस्टिंग करवाई और उसकी बेसिस पे उन्होंने हमें एक बॉडी यहाँ पे इशू की। वो वी वर सरप्राइज कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो बॉडी वो नहीं थी जो मेरे फादर की थी, और वो मेरे फादर की बॉडी ऑलरेडी वो किसी और को हैंड ओवर थी। उस वक्त तक 90% बॉडीज़ जा चुकी हुई थी, सिर्फ 3-4 बॉडीज़ रह गई थी जिनके मुख्तलिफ किस्म के आइडेंटिफिकेशन के इशू चल रहे थे। और दिस इज 9th day। तो बालाज की अगले दिन जब सुबह उसको लेके आए तो कॉफिन में लपेट के लेके आए, मुझे नहीं दिखाया गया। लेकिन मेरा शौक़ था उसका आर्मी में जाने का, अल्लाह ने वो पूरा कर दिया। उसका शौक़ था शहादत का, तो ठीक है शहादत अपनी जगह, लेकिन एक माँ का दर्द अपनी जगह होता है। लोग समझते हैं कि 4 साल गुजर गए। जब लगेज का टाइम आया था तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग आके अपने लगेज देख लें, और बहुत ही बुरे तरीके से रखे हुए थे शॉपिंग बैग में कुछ ऐसे कपड़े अजीब पुराने से पता नहीं कौन कौन से। जब वो लगेज डिस्प्ले किया गया उसमें सबके सेल फोन्स टूटे हुए थे, उसमें सबके लैपटॉप्स टूटे हुए थे, सबकी स्क्रीन्स तोड़ी गई थी, और उसमें से कुछ लोगों ने घर पे फ़ोन करके बताया कि प्लेन में आग लगी, प्लेन के अंदर है, वो एक दफ़ा नीचे वो के ऊपर आया है, उसमें आग लगी हुई है। कुछ लोगों का सामान मिला कुछ का नहीं, लेकिन मैंने मुझे मेरी बेटी का ID कार्ड और उसका दुबई इस्लामिक बैंक का कार्ड और उसका आगा खान का कार्ड बना हुआ था, वो तीनों चीज़ें मिली। थोड़ी सी कर्ल हुई भी थी, टर्न हुई भी थी, लेकिन वो मुझे वहाँ से मिली थी। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। हालांकि वो मुझे बता रही थी कि उसके अंदर कैश भी था, वो जब शूट करके वहाँ से आ रही थी उसके पास कैश भी था, लेकिन वो पर्स थी ना, पता नहीं जिस तमाम चीज़ें छोटा वो पर्स होता है वॉलेट होता है उसके अंदर होता है, वॉलेट ही नहीं था। ये चीज़ें कैसे निकल आई, बाकी चीज़ें कैसे गईं, कुछ समझ में नहीं आ सका। बस हम लोग इसी तरह कंफ्यूज ही रहे। हम लोग कितना आसान है एक जहाज को गिरा देना, बहुत मुश्किल काम। सही बात है, कैसे गिरा सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। आपने सारी वार्निंग्स को बालाए ताक रखना होगा, आपने अपने दिमाग को भी सुलाना होगा, क्योंकि जहाज़ में तो ऐसे सिस्टम है जो आपको हर चीज़ बताएंगे। आप ज़मीन के नज़दीक आ गए हैं, वो आपको हॉर्न देंगे, आवाज़ कान में आएगी, बस वो एक ऊपर से कोई चीज़ नहीं पड़ेगी जो फाइटर एयरक्राफ्ट में, तो अगर इंस्ट्रक्टर पायलट है तो आपको बाकायदा मार भी सकता है। पायलट की बहुत ही जिसको हम कहते हैं ग्रेव मिस्टेक थी, वो जब आ रहा था तो ही वॉज क्वाइट हाई। हाइट से नीचे आने के लिए जब आप कहीं से नीचे आते हैं तो आप ग्राउंड का भी थोड़ा सा रास्ता सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही वॉज सो हाई कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तजर्बे के मुताबिक इट वॉज़ नॉट पॉसिबल कि वो ये सारी हाइट कवर करें, क्योंकि नीचे हाइट के लिए उन्हें फिर बहुत तेज़ी से नीचे आना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको वेल इन टाइम गाइड कर दिया, वार्न कर दिया, जो भी उनकी फिजियोलॉजी होती है, एंड देन ही डिसाइडेड एट ए वेरी लेट स्टेज कि मैं नहीं लैंड कर सकता, सो ही डिसाइडेड टू नाउ गो बैक। अब जहाज़ अभी भी नीचे आ रहा है हल्का सा, तो इंजन अनसेफ है, क्योंकि लैंडिंग गियर लगते तो इंजन ज़मीन से नहीं लगते, तो लैंडिंग गियर चले गए तो इंजन लग गए, जब इंजन लग गए तो और फिर ये टेक ऑफ कर गया, तो इंजन को हो गया डैमेज। एरर कह लें, मिस्टेक कह लें, केयरलेसनेस कह लें, ठीक है, टोटल नेग्लिजेंस कह लें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लें, इस केस इट्स वी कॉल इट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कि सब कुछ होने के बावजूद भी वाई मतलब आपको उस पोजीशन में दाखिल होने की क्या ज़रूरत है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। और जब इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात नहीं मानी एज ए कैप्टन,
पहले भी कभी इसने नहीं मानी होगी, एकदम में तो नहीं होता हिम्मत उसकी कि जी मैं नहीं मान रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी कोई गलती नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वीडियो का जो पता चल रहा है, क्रैश हुआ, सारी चीजें हुई, उसमें पायलट की गलती बताई जा रही है कि पायलट की गलती थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो थे उन्होंने गाइड करा, सारी चीजें बताई, बट फिर भी केयरलेसनेस की वजह से, या फिर एक कहते हैं कि मैं अपना ही कहना मानू, अपने कहने पे चलू, वो चीज थी। और उनकी वो जो कि मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मैं पायलट हूं, और उनकी एक जिद जो है इतने सारे लोगों की जान ले गई, इतने सारे लोगों की उनकी एक जिद। ये तो सिर्फ कुछ लोग थे जिनकी कहानी हमने उनकी जुबानी सुनी है, लेकिन कितने सारे लोग होंगे, 99 पैसेंजर्स थे उसके अंदर, उन लोगों की फैमिली, उनकी क्या क्या कहानी रही होगी। मेरा तो दिल दुखने लगा, गूज बम्स आ गए, खास करके वो लोग जिनके घर पे प्लेन क्रैश हुआ, जा करके उन लोगों की क्या बीती होगी, उनके घर पे क्या बीती होगी, अपने घर में बैठा हुआ आदमी भी सेफ नहीं है, इस तरीके से एक जहाज उनके घर पे आके गिर गया, तो ये तो बहुत ही लापरवाही वाली चीज है। और खास करके ये भी हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन के बाद नई नई फ्लाइट स्टार्ट हुई थी, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे, अगर ये तो 2020 का ही है, लॉकडाउन के टाइम का ही, हाँ लॉकडाउन के टाइम का ही है, तो उस टाइम पे जब नई नई फ्लाइट स्टार्ट हुई थी तो उनमें भी बहुत सारी चीजें थी जो सब जगह होती है। एविएशन सिस्टम में होता है कि आप अगर अच्छे से चेकिंग नहीं करते हैं तो बहुत बड़े ट्रेजेडी जिसे कहते हैं होने के चांसेस रहते हैं, और वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। हाँ, सो गाइस ये था आज का हमारा रिएक्शन। हमने इस डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन अच्छी के साथ साथ दिल दुखाने वाली भी थी, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, बहुत सारे ऐसे उन लोगों की जो चीजें थी जो शायद कोई देखना पसंद नहीं करे, बहुत ही तकलीफ देने वाली थी। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।